अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज अपने किचन में हम फ्रूट कस्टर्ड आज हम बनाएंगे अपने किचन में। तो रेसिपी शुरू करेंगे, उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ये देखिए, ये हमने 1 लीटर दूध ले लिया है कस्टर्ड बनाने के लिए। तो इसको हम अब खुला लेंगे, गैस पर हमने चढ़ा दिया है। ये कस्टर्ड है, 2 चम्मच हमने ले लिया है, बड़े 2 चम्मच। इसको हमने घर ही पे बनाया है और अपने चैनल में आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा। आज इस कस्टर्ड में हमने ग्रीन कलर डाला है। हमेशा हम येलो कलर डालते हैं लेकिन ग्रीन कलर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाला है। आज हमें थोड़ा अलग बनाना है इसलिए हमने इसमें ग्रीन कलर डाला है। और ये देख लीजिए, ये 100 ग्राम शक्कर है हमने ले लिया है कस्टर्ड में डालने के लिए, ये 100 ग्राम है। और चीनी कमी अच्छी लगती है, मिठास, इसमें बहुत सारे फ्रूट भी डालने होते हैं तो चीनी की मिठास कमी रहती है। तो देखिए, ये कस्टर्ड में हम पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, और इससे दूध से भी इसका घोल बन सकता है, आप लोग चाहें तो दूध से बना लें लेकिन हम पानी से बनाएंगे, पानी से इसका घोल अच्छा बनता है। और घोल बनाने के बाद इसको चलाते रहिए, नहीं लम्स पड़ जाएंगे तो जल्दी सही नहीं होते हैं। तो हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इतना बढ़िया आ रहा है। येलो कलर तो हम बनाते हैं लेकिन आज हम अलग बना रहे हैं इसलिए हम ग्रीन कलर डाले, हमें ये कलर बहुत पसंद है। हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे नहीं गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें। देखिए, 1 भी लम्स इसमें नहीं पड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से घुल गया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, इसे मलाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हमने गाढ़ा ही दूध इस्तेमाल किया है। देखिए, दूध में उबाल आ रहा है, मलाई देखिए कितनी ऊपर है, इसलिए हम अलग से मलाई नहीं डालेंगे। अब गैस को हम स्लो कर देंगे। तो देखिए, शक्कर डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। शक्कर को हमने डाल दिया है, अब इसको हम चलाते रहेंगे, शक्कर घुल जाएगी। हम कस्टर्ड डालेंगे पाउडर। अब ये जो घोल है हमने जो बना के रखा है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे इसमें। चलाते रहना है 5 से 6 मिनट तक, हम धीमी आंच पे इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए, गाढ़ा होने लगा है और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, कलर पिस्ता कलर, लाइट कलर आया है, बिल्कुल पिस्ता कलर, बहुत प्यारा कलर है। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है। 5 मिनट हमने इसको पका लिया, अच्छी तरीके से पक चुका है। अब ये देखिए, इसको हम 1 घंटे तक बाहर रख देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा नॉर्मल तो हम फ्रिज में रख देंगे इसको। ये देखिए, गाढ़ा हो गया है, अभी थोड़ी देर के बाद जब हम फ्रिज में रखेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड को हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये फ्रूट देख लीजिए, हमने सब काट के रख लिया है। अब कस्टर्ड को हम फ्रिज से निकालेंगे। ये अनार है, ये अनार है, और ये केला हमने ले लिया है, और ये सेब है, ये अंगूर है। सबसे आप लोग डालिए, जो आप लोग को पसंद है फल वो डालिए, इसलिए हमने नहीं बताया, हमको जो पसंद है वो हम डाल रहे हैं। ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। हम इसमें फल डाल देंगे अब। ये देखिए, अनार हमने डाल दिया, अब केले डाल देंगे हम। अब इसे हम एक बर्तन में पलट लेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड हमारी कितनी अच्छी लग रही है, कस्टर्ड ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर। बॉल में हम पलट लेंगे इसको।
तो ये हमने पलट लिया है बाउल में। अब ऊपर से हम फ्रूट डाल देंगे, सजा देंगे ऊपर से। ये जेली है हमारे पास बहुत सारी, तो हम जेली डाल, जेली आपको अगर अच्छी लगे तो डालिए वरना मत डालिए। तो ये देखिए हमारी, ये हमारी फ्रूट कस्टर्ड कैसी लगी आप लोगों को। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।